बजट में इस बार सरकार का फोकस रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहने वाला है। कहना है एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ केकी मिस्त्री का। जी बिजनेस से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य में ब्याज दरें घटने की उम्मीद अब कम ही है। मुझे जरूर लगता है कि हाउसिंग के लिए कुछ रिलैक्सेशन आएगी। आई थिंक द बजट फोकस एरिया विल बी ऑन फाइव और सिक्स ब्रॉड थीम्स। फर्स्ट विल बी जॉब क्रिएशन, सेकेंड विल बी हाउसिंग, थर्ड विल बी इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ विल बी SME, फिफ्थ विल बी द रूरल सेक्टर, एंड सिक्स्थ विल बी समथिंग लाइक सेविंग्स, हाउ टू एनकरेज सेविंग्स इन द इकोनॉमी। तो ये छह थीम्स के आसपास मेरे हिसाब से बजट विल बी फोकस्ड। अभी जो हाउसिंग जो है, हाउसिंग के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी बेनिफिट्स आ सकती है। First of all, Section 24 के हिसाब से you get a tax deduction on the interest that is payable on a housing loan. The tax deduction today is 2 lakhs of rupees. अब ये जो 2 लाख की लिमिट है वो काफ़ी टाइम से 2 लाख की लिमिट हो गई है। So there is some scope to increase that limit from 2 lakhs to say 2.5 lakhs or 3 lakhs. तो वो एक चीज आ सकती है। Second, अगर आपको इंकरेज करना है इंडिविजुअल को घर लेने को, हाउसिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑल ओवर द कंट्री, पर्टिकुलरली इन द बिग सिटीज। अभी जो बिग सिटीज के अंदर जो घर का जो भाव इतना हाई है, तो व्हाई कांट वी थिंक ऑफ अ बेनिफिट विच इज गिवन टू कंज्यूमर्स, लाइक डेप्रिसिएशन इज गिवन टू अ कंपनी। तो कंपनी प्लांट एंड मशीनरी अगर लेती है और कंपनी बाइज अ बिल्डिंग फॉर इट्स ऑफिस यूज, इट गेट्स डेप्रिसिएशन। आरबीआई की स्पीच सुनने के बाद हमको ऐसा लगता नहीं कि शायद वो इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट काटना चाहते हैं या उसको लेकर कोई उनकी हरीनेस हमको दिख रही है। ये एक्सपेक्ट करें कि शायद इस पूरे ही कैलेंडर ईयर में नहीं होगा। देखिए, पूरे कैलेंडर ईयर में बोलना डिफिकल्ट है क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी टुडे हैव नो आइडिया अबाउट, बट जो आज दिख रहा है उसके हिसाब से तो डेफिनेटली नहीं लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए। डेफिनेटली नहीं लगता है। इफ़ यू टेक द लास्ट सिक्स मंथ्स, इंटरेस्ट रेट्स तो काफ़ी बढ़े हुए हैं। आरबीआई हैज़ नॉट इंक्रीज रेट्स, बट ओवरऑल रेट्स इन द इकोनॉमी हैव गॉन अप। इफ यू सी बॉन्ड यील्ड्स, यू टेक द 10-year बॉन्ड, यू टेक द 5-year बॉन्ड, टेक द 1-year बॉन्ड, टेक एनी मार्केट बेंचमार्क, इंटरेस्ट रेट्स आर अप फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम 40 बेसिस पॉइंट्स टू एज मच एज 60-70 बेसिस पॉइंट्स। सो काफ़ी रेट्स बढ़ गए हैं। Plus, there is an overlying fear of oil prices going higher. There is an overlying fear of inflation beginning to pick up in the economy. So all these factors taken together will make it very difficult for RBI to cut rates. But at the same, plus you take into account the fact that US is increasing rates. So you can't have a situation where US keeps increasing rates and India keeps reducing rates. But if that situation happens, you will see massive outflow of money out of India, which will put a lot of pressure on the currency. The rupee will weaken, and the rupee weakens, inflation will set in because your cost of imports will go higher. So that is not something which I think we should expect at this point of time. Having said that, I think RBI will keep a stable interest rate environment for the next few months, and at least till June, July, I don't see any change in RBI's interest rate policy. I would think they will maintain the rates the way they are. But a lot will depend upon what the fiscal deficit is. वो हमारी अभी जो 1 February budget में जो present होगी, we'll get to know what the fiscal deficit is. If the fiscal deficit has been kept in line with what the budgetary expectation are, I think market rates will react and we will see rates coming down a little bit, because rates have gone up in expectation that the fiscal deficit number will be breached.